अभी सर अगर 4000 मुर्गियों पे आप लगभग महीने के 1.5 लाख से ज्यादा का दाना खिला रहे हैं, जो खर्चा कुछ किसानों को डाउट होगा कि रिकवर हो पाएगा कि नहीं, तो इसको कैसे आप रिकवर कीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहिए। अंडे के पर्पज से यदि हम पाल दिए 4 महीना 5 महीना खिला दिए ना जी, तो मान लीजिए 7 लाख 8 लाख खिलाते हैं, उतनी मुर्गियाँ 4000, अंडा प्रोडक्शन भी हमारा 1500-1600 करीब में हो जाएगा जी। तो यदि हम सीजनली काम करते हैं ठंडे के लिए 4 महीना जी, तो 4 महीना करेंगे तो उसका फीडिंग खर्चा तो उस टाइम हमको नहीं लगाना है, घर से उसी से आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। उसमें जो बचत आएगी कम से कम 4 महीने में तो 3 से 4 लाख तो बचत हो जाएगा जी। उसमें से 1200 मुर्गा निकल जाएगा 20 महीने के बाद, तो निकल जाएगा तो एवरेज मान लीजिए कि 2 से 3 लाख का मुर्गा निकल जाएगा अपना। अच्छा, यदि 1000 मुर्गा बेचते हैं तो 3 लाख का मुर्गा निकल जाएगा, बाकी बचा हमारा 4 लाख ही मान लीजिए। तो 4 लाख ये अमाउंट क्या होता है कि जब अंडा हम निकाल लिए सीजन के बाद हमको बेचना है मुर्गी, तो ये जो हम दाना खिलाए हैं वो 4 लाख रुपया उस टाइम बेचेंगे उस मुर्गी से आ जाएगा। अच्छा, मतलब लॉस नहीं होगा, अपना लॉस कहीं से भी नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एंड रेंज के एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा हरियाली हरियाली, खेत में एक फार्म है वहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे 3 बीघा में मुर्गी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और बकरी पालन भी साथ में हो रहा है। तो आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं और देते हैं जानकारी कि 3 बीघे में कैसे ये मल्टीपल फार्मिंग कर रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या लागत है और क्या क्या समस्या आ रहा है, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। उसके पहले बोलना चाहूँगा, कुछ दोस्त हमारे चैनल पे जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी गेट पर हैं और गेट खोल करके अंदर जाते हैं। तो सर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी। सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आपका एक बड़ा सा फार्म में देख रहे हैं कि मल्टीपल फार्मिंग आप कर रहे हैं, देसी मुर्गी बकरी पालन और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी आप बताना चाहें कि कौन सा, आप मुर्गी की बात कीजिए तो कितना संख्या है, देसी गोट की कितनी संख्या है? नहीं, मुर्गी में हमारे पास सोनाली लगभग 2500 है जी, आर आई आर का नया वेराइटी है जी, 1500 भी डाले हैं। अच्छा, और बकरियाँ तो समझिए लगभग 30 करीब है, बकरियाँ भी 30 के करीब में है। तो देसी मुर्गी में तो आपको काफ़ी समय से हो गया, आपने गोट फार्म भी हाल ही में स्टार्ट किया है, 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो अभी देख रहे हैं कि ग्रोथ ही कर रहे हैं। ठीक है, सोनाली तो बिहार में हर जगह लगभग देखने को मिल जाता है लेकिन आरआईआर काफ़ी कम बर्ड देखने को मिलता है, तो उसमें क्या खास बात है, सोनाली से क्या अलग है कि आप उसको फार्मिंग? सोनाली से एक ही डिफरेंट है कि उन लोग का अंडा क्वालिटी है प्लस साइज जी, और प्रोडक्शन जी 5-10% का वेरिएशन है, सोनाली से ज्यादा उसका अंडे की कैपेसिटी है। हाँ, 10% अच्छा, ज्यादा देगी वो, 10% ज्यादा देगी। अच्छा, और उसका जो मतलब अगर बात की जाए कि जो अंडा जब तक देगी तब तक उसका बॉडी वेट क्या हो जाता है? उसका अलावा 2 केजी प्लस में होता है, 2 केजी प्लस में होता है, यानी सोनाली से बॉडी वेट भी उसका ज्यादा जाता है, ज्यादा जाता है उसका। सर ये पूरा जो आपका एक खेतों का एरिया आपने बताया कि 3 बीघा का ये पूरा फार्म है, तो इसमें ये बताइए कि आपने फार्म के लिए कितना कवर किया हुआ है और साथ में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना जगह आपने छोड़ा हुआ है? एक्चुअली बकरी के लिए हम लगभग 15 से 18 कट्टा छोड़ दिए हैं जी, बैरिकेटिंग करके। ओके, और लगभग 10 कट्टा 12 कट्टा इन लोग के लिए, मुर्गियों के लिए है जी, सब पार्ट साइड से लगाए हैं जी, और इनका एक ग्राउंड भी चाहिए साइड से ना, तो सब मिलाएंगे तो 15-16 कट्टा होता है। घूमने के लिए भी थोड़ा सा आपने उसको स्पेस छोड़ा हुआ है, बाहर तो छोड़ना ही है इनको, फार्म में रखेंगे तो फार्म ज़्यादा गंदा होता है जी जी, और इसको क्लीन करने में भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और ये बाहर रहती है ना तो फार्म हमारा ड्राई हो जाता है जी जी। प्लस इनको एक्स्ट्रा कुछ चरने के लिए, घूमने के लिए, और हमको लगता है कि इतना जो फ्रेश आप देख रही हैं जो मुर्गियाँ, कारण वही है कि बाहर घूमती है, बाहर घूमती है, और फार्म में रहेगी तो थोड़ा गंदा होगा और पाँख नोच लेगा, सब ये कर लेगा, मतलब थोड़ा बहुत बदतर स्ट्रेस फ्री रहता है बाहर घूमने से। और आपके साथ में हम देख रहे हैं कि आपने बकरी के साथ साथ यहाँ पे मक्का और ये सब कुछ है। अभी इनका लिए 2 बीघा हम तो इसलिए रखे हैं कि इनका हर सीजनली 1 साल में 3 बार इनके लिए, मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, सपोज आपका बरसीन हुआ या ये सूडान हुआ, ये सब हम लगाते रहते हैं। अभी सूडान लगाए हैं जी, मकई भी लगा दिए हैं, ये सब बकरी खाएगी, हमको बाल उल से मतलब नहीं है जी जी। जब ये तैयार होगा कुछ खाते जाएगी, कुछ ना कुछ बाल हो जाता है जी। और प्लस अभी सब्जी, अभी गोभी लगाएंगे तो ये मुर्गियों के लिए हो जाएगा, गोभी हमारा बिक जाएगा, पत्ता मुर्गियाँ खा लेगी, तो इस तरह से करते रहते हैं। इनको नहीं करेंगे तो जैसा समय आता है ना साल में, जितना भी आता सब्जी का हो या घास का हो उसके हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, तो सर आपने बकरी जो हाल ही में 6 महीना पहले स्टार्ट किया है, बकरी वाला काम जो बात किया गया, तो अभी किस नस्ल पे आप काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास देसी में हमने चालू किया था जी, उसके बाद में बर्बरी मथुरा से लेकर आया था।
मथुरा से बरबरिया प्लेगा ला करके उसको ऐड किए हैं जी। सब कोई बोलता था कि वो सक्सेस नहीं होगा या मर जाती है कुछ भी, हमारे यहाँ आकर के 4-5 महीने हो गई जी, एक बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा। उसका ही ब्रीडर लेके आया। मथुरा से लाने का कारण क्या रहा? ब्रीडिंग पर्पज से। ब्रीडिंग पर्पज से। तो मथुरा से लाने में तो कॉस्ट भी काफी ज्यादा पड़ा, उसमें भाड़ा चुकी कम लाए, क्वान्टिटी 10-15 लेके आए थे तो 30,000 तो भाड़ा ही लग गया था। अच्छा, तो अभी जो बरबरी के काफी लोग चलन चलाए हुए हैं कि बरबरी अच्छी क्वालिटी है, तो देसी और बरबरी में क्या डिफरेंस? देसी से एक ही बात है, देसी बकरियां खराब नहीं है, बहुत सुंदर बकरियां हैं, लेकिन देसी के बाद दूध कम है जी, इसलिए बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अच्छा। इन लोगों का हम दूध छोड़ा कर लाए हैं, एक एक बकरी के पास 2-2 केजी दूध है। अच्छा। दूध लाया था मैं 3 दिन हुआ रुका था जी, और यहाँ लाने के बाद भी 2-3 केजी दूध रही थी, बच्चा छोड़ दिया था, यहाँ छोड़ दिया, हम लोग भी दूध निकालना, 4-5 को दूध रहते थे, 6 लीटर दूध निकल रहा था। तो मेन पर्पस है कि बरबरी को रखेंगे तो दूध ज़्यादा होगा, खाने के लिए भी हो जाएगा प्लस बच्चों के लिए भी हो जाएगा, इतना एक्सेस होता है दूध। सर बात कीजिए आपके मुर्गियों पे, तो एक बार पहले भी आपके हम फार्म पे आए हुए थे, लेकिन उस समय क्वांटिटी कम था, कम थी, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गी पालन आप नहीं कर रहे थे। अभी देख रहे हैं कि 4,000 एक बड़ा फार्म की अगर बात की जाए, वो भी अपने एक पर्पस से रखा हुआ है, अंडे की खातिर रखा हुआ है, तो 4,000 मुर्गियों को मैनेज करना, दाना के कॉस्टिंग क्या आ रहा है, और क्या रीजन रहा आपको कि एक बार में 4,000 मुर्गी आपको पालना? एक्चुअली छोटा छोटा काम तो हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली हम तो 2 आदमी रख के ही काम करना है, सैलरी उनको देना है, और ये सब ऐसे हम फिट नहीं करेंगे, इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो उनको सैलरी कहाँ से देना है? टारगेट ये है कि घर से सैलरी नहीं देना है जी। हमको 2 पैसा बचना है तो बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो लग रहा है उसमें जी, जी। अभी तो 4,000 मुर्गियाँ हैं तो समझिए कि 5,600 डेली खा रही है। अच्छा अच्छा। तो अभी 3-4 महीना तो उनका हो गया है, सोनाली का, इन लोगों का 3रा महीना चल रहा है, आ रही है का। तो 4 महीने के बाद अभी अंडा स्टार्ट है, अंडा देख रहे हैं कि आपके फार्म पे आना चालू भी हो गया है, चालू हो गया, एक अंडा आ रहा है अभी, 20 महीने का लास्ट तक फुल अंडा आ जाएगा उसका, फुल अंडा आ जाएगा। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने बकरियों के लिए बाहर एक खुली लगाया हुआ है और साइड में एक अच्छा फार्म भी हम देख रहे हैं कि आपने बनवाया हुआ है, तो इनके लिए जो फार्म का आपने एरिया रखा हुआ है क्या एरिया है ये? तो लगभग 50x20 का एक उनका कैमरा बना हुआ है, 50x20 का कमरा हुआ है, उसमें पार्टीशन दे दिए हैं, एक में कम से कम 10-10 बकरियाँ रहेंगी जी जी, और ये तो पहले से बनाए थे जी, तो इसमें लगभग सभी रहती थी अभी जी जी। तो अभी टारगेट ये है कि सबको अलग अलग करके ही रखना है, उसमें पार्टीशन वही अपने लोहे का बनाया हुआ है। तो 30 बकरी के रहने के लिए जगह अच्छा है, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट में 30 बकरी आराम से रह लेती आराम से, आराम से। और इसको अगर बात कीजिए कि आपने अच्छा खासा लागत में बनवाया हुआ है, क्या लागत आ गया इसको बनवाने में? अब लागत आपका समझिए एक सेट डालने के लिए 1,20,000 लग गया उसका, 1,20,000 मतलब 30 बकरियों को रहने के लिए पर्याप्त जगह है, 30 बकरी तक आराम से इसमें रख सकते हैं। सर बात कीजिए कि अभी बकरी से तो आपका कोई इनकम नहीं आ रहा है, अभी बकरी तो बढ़ा ही रहे हैं, तो 30 बकरी को अभी पर डे सर खिलाने में क्या क्या खिलाया जाता है और खर्चा कितना आता है? अभी मेन इन लोग का हरा चारा तो देना ही है, हरा चारा में ये सपोज हम लोग का है जो तैयार कर रहे हैं उसमें से देंगे, लेकिन ये ग्राउंड इसलिए लंबा रखेंगे इन लोगों को घास डेली मिलता रहेगा जी, और थोड़ा सा घूमता रहे, घूमता क्योंकि आपका देख रहे हैं कि काफी एरिया छोड़ा गया है जिसमें बकरी घूम रही है, घूम रही है, घूम करके अपना चारा खा रही है जी। और बाकी हम लोग सुबह सुबह इसको भूसा प्लस चोकर, चोकर देना है जी, हमारा अपना गेहूँ है, गेहूँ और जौ मिला के देते हैं, उसमें दाना 2-3 केजी 4 केजी दोनों मिला टाइम मिला के 6 केजी हो जाता है, लगभग 200 रुपया पर डे उनको खिला देते हैं हम, 30 बकरी पे 200 रुपये पर डे खर्चा आता है, और घास जो हरा चारा आपने दिया जाता है वो अलग से, अलग से है, बाकी वो लोग वो तो फ्री में है, खा लेती है, जगह है तो इन लोगों को यहाँ से बाहर भी निकालते हैं, और बाकी चारा बो के रखें, काट के भी दिया जाता है जी। अभी आपके पास 4,000 से थी बर्ड, अगर बात करें टोटल सोनाली और RIR मिला करके है, मुर्गा आपने सेल नहीं किया, अभी मुर्गा सेल भी करना है, तो कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अभी तो खर्चा आपको 4,000 रुपये खिलाना पड़ रहा है, तो अभी बात कीजिए कि मंथली वाइज या पर डे कितने का दाना खा रहा है? पर डे अभी 4,000 जो बच्चा है उसको कम से कम 5,600 का दाना पर डे लगता है, लगभग 5,600 का दाना अभी पर डे का खिला रहे हैं, तो मंथली वाइज तो काफी एक्सपेंस ज्यादा हो गया, और एक महीने में मान लीजिए 4-5 हज़ार का मेडिसिन भी आता है। तो अभी सर अगर 4,000 मुर्गियों पे आप लगभग महीने के 1.5 लाख से ज्यादा का दाना खिला रहे हैं, खर्चा काफ़ी ज़्यादा लागत आ रहा है, और अभी इसको खिलाना ही है, अभी 3 महीने पहले से आप खिलाते आए हैं, तो ये जो खर्चा कुछ किसानों को डाउट होगा कि रिकवर हो पाएगा कि नहीं, तो इसको कैसे आप रिकवर कीजिएगा, थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहिए। अंडे के पर्पज से यदि हम पाल दिए 4-5 महीना खिला दिए ना जी, तो मान लीजिए 7 लाख 8 लाख खिलाते हैं, उतनी मुर्गियाँ है 4,000, अंडा प्रोडक्शन भी हमारा 1500-1600 करीब में हो जाएगा जी। तो यदि हम सीजनली काम करते हैं ठंडे के लिए 4 महीना जी, तो 4 महीना करेंगे तो उसका
फीडिंग खर्चा तो उस टाइम हमको नहीं लगाना है, घर से उसी से आ जाएगा, उसी से आ जाएगा। उसमें जो बचत आएगी कम से कम 4 महीने में तो 3 से 4 लाख तो बचत हो जाएगा जी। हम मान लीजिए 4 महीना 6 लाख से 6.5 लाख खिला दिए जी, तो उसका एक ही टारगेट होता है। अभी मान लीजिए उसमें से 1,200 मुर्गा निकल जाएगा 20 महीने के बाद, तो निकल जाएगा तो एवरेज मान लीजिए कि 2 से 3 लाख का मुर्गा निकल जाएगा अपना। यदि 1,000 मुर्गा बेचते हैं तो 3 लाख का मुर्गा निकल जाएगा, बाकी बचा हमारा 4 लाख ही मान लीजिए। तो 4 लाख ये अमाउंट क्या होता है कि जब अंडा हम निकाल लिए सीजन के बाद हमको बेचना है मुर्गी, तो ये जो हम दाना खिलाए हैं वो 4 लाख रुपया उस टाइम बेचेंगे उस मुर्गी से आ जाएगा। अच्छा, मतलब लॉस नहीं होगा अपना, लॉस कहीं से भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो पूंजी तो हमारे अपने हाथ में रहेगा, हाथ में आ जाएगा, कमाना हमारे हाथ में। मार्केटिंग यदि कर रहे हैं तो काहे नहीं कमाएंगे, मार्केट में यदि हम कनेक्ट बना लिए हैं, कॉन्टेक्ट हो जाता है, मार्केट में जाएंगे, माल हमारा बिकता है, तो कहीं से भी पैसा 2 पैसा कमा लेना है वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात यदि सोनाली करेंगे तो सोनाली में यदि कैपेसिटी है दाना खिला देने के लिए और उसको मतलब कि पैसा होना चाहिए, ये भी कम पूंजी में काम होने वाला नहीं है। और आदमी ये सोचे कि हम कम पूंजी में लेकर काम करेंगे तो नहीं होगा, बीच में फेल हो जाएंगे, और जब फेल होंगे तो कम रेट में बोलेंगे हमें किसी भी रेट में बेच देना है जी जी। तो उसमें मार्केट में क्या हो रहा है, ये लोग सोचता है कि नहीं नहीं इतने में सोनाली मिल जा रहा है जी जी। तो करना है इसको तो इसका भी एक मोटा अमाउंट पूंजी चाहिए जी। और ज्यादा से नहीं करेंगे तो फिर आदमी का खर्चा आपका खर्चा या फिर ज्यादा नहीं आएगा, बेनिफिट होने 200-400 में करेंगे, अकेले आप परस्पर हैं तो उसमें आपका मजदूरी निकल जाएगा, एक्स्ट्रा आदमी रख के काम नहीं कर सकते। हम लोग एक्चुअली आदमी रख के काम करते हैं, 2 आदमी है, उसका सैलरी चाहिए 20,000, हमको 20-50,000 चाहिए, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो वो आके मेंटेन हो जाता है, और इन्वेस्ट तो आएगा। 4,000 मुर्गी पालना तो 10 लाख जेब में रख के ही काम करना पड़ेगा, बैकअप रख के काम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आगे बचत होगा। हाँ, उसमें मार्केट में फिर आपको डाउन नहीं होना पड़ेगा ना, नहीं बिकेगा, मुर्गी मरने वाली नहीं है, और मुर्गी को हम खिलाएंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे, आराम से बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेट आएगा तभी बेचेंगे। अभी सावन है, लोग बोलता है, कोई बोलता है 180 रुपया दे दो, कोई बोलता है 90 रुपया दे दो, अभी हमारा 190 रुपया एक्चुअल खर्चा 4 महीने में उसको पड़ गया है जी। तो हम यदि 230-240 में नहीं बेचेंगे तो 40 रुपये केजी हमको 30 रुपये केजी नहीं बचेगा, तो फिर धंधा कहे करेंगे, धंधा कहे करेंगे। तो उसके हिसाब से पूंजी यदि है तो हम आराम से बेचेंगे, भाई हमारा इतना दाम मिलना चाहिए जो जेन्युइन है तभी बेचेंगे। आप पैसा नहीं है दाना के लिए हम बेचैन हो जाएंगे, बेचना किसी भाव में बेच देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पीछे जो देख सकते हैं, ये जो फार्म की अगर पूरी लंबाई की बात किया जाए तो 130 फीट लंबा और 18 से 20 फीट ये चौड़ा है, जिसमें अभी 4,000 मुर्गी का अभी पालन हो रहा है, जिसमें से कुछ मुर्गा देख सकते हैं छटाइया होकर के बाहर भी निकाला गया है, जो कि मुर्गा लगभग 1,000 तक बाहर निकलेगा और ये सेल होगा। और जहाँ तक बात की जाए 3,000 से 2,500 मुर्गी लास्ट में बचेगा, तो उससे कम से कम 1,500 से 1,600 अंडा पर डे का प्रोडक्शन आराम से हो जाएगा। और अंडा का प्रोडक्शन आप तो सर्दी में जानते ही हैं कि क्या रेट जाता है, उस समय आराम से 10 रुपये तक किसान भाई जो बेच सकते हैं और अंडा भी बेच सकते हैं, और जो अंडा बचे हैचरी में भी दे सकते हैं, तो उससे एक अच्छा बेनिफिट भी हो जाता है। दोस्तों लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा एक फार्म का टूर था जहाँ पर अभी 30 बकरी और 4,000 सोनाली मुर्गी का पालन हो रहा है, और कुछ ऑर्गेनिक खेती भी हो रहा है, और इस खेती से और इस फार्म से एक अच्छा खासा बचत भी हो जाता है, लागत तो काफ़ी आता है लेकिन अच्छा खासा बचत भी हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।